किसी को आपने शिद्दत से चाहा, कितना प्यारा वर्ड है शिद्दत, है ना, आपने पूरे दिल से दीवानगी से पागलपन से उसको चाहा और फिर वो आपको नहीं मिला, जैसे शाहजहां के साथ हुआ था। कायनात काम नहीं करती है। क्या कायनात, क्या कायनात, हाँ मैं समझ तो गया था लेकिन आपने कायनात बोला था तो मैं थोड़े मजे ले लेते हैं। हाँ। ब्रेकअप मीन्स नॉट जस्ट के जहां पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप का मतलब अगर सिंपल वे में बोला जाए, दिल का टूटना। दिल कब टूटता है? तब नहीं जब हम किसी को छोड़ते हैं, समझ गए ना, उसको भी लोग ब्रेकअप समझ लेते हैं। अरे वो ब्रेकअप थोड़ी हो, तो वो तो बढ़िया फन है। आपने उसको छोड़ा किसी और के लिए तो वो तो बढ़िया है, दैट इज नॉट ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब आपका दिल टूट गया है। दिल कब टूटता है हमारा? जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन उससे हम अलग हो जाते हैं किसी वजह से, उसने धोखा दे दिया, उसने ना बोल दिया, या हाँ हो जाता है जी, उसके माँ बाप ने मना कर दिया, या डेथ हो गई किसी की, ये सब आ गया ब्रेकअप के अंदर। और अगर इसको और ब्रॉड कर दिया जाए तो सिर्फ यही नहीं आया, कि अगर आपने मेरे सेशंस को ध्यान से देखा होगा तो मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा होता हूँ, करता हूँ एक चीज़ के बारे में लेकिन पूरी लाइफ उसमें आ जाती है, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम उसमें कवर कर लेते हैं। तो ब्रेकअप मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं, दिल हमारा कब टूटता है, हमारा कोई डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, ये हमको चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिला, दिल टूट गया ना। हमने अपनी मर्जी से उस चीज को छोड़ा, चीज को या इंसान को, तो दिल नहीं टूटता है। जैसे अपना मोबाइल आपने पुराना एक्सचेंज कर दिया नए मोबाइल के लिए, तब दिल नहीं टूटता है, लेकिन आपके नए मोबाइल को कोई लेकर के भाग गया आपसे छीन करके, तो दिल टूट जाता है कि नहीं? तो ये ब्रेकअप है। या यू वांट टू से समथिंग? या इनको माइक दो। जो भी हम ये ब्रेकअप की बात कर रहे हैं तो इसकी हम इवेंचुअली एक क्रक्स निकाल सकते हैं, दैट लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस एंड में, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो मैं जनरलाइज करके नहीं कह रही, व्हाट आई हैव डन इज लाइक अदर पीपल आल्सो डू इट, कि दे बिकम राइटर्स पोएट्स, तो वो एक नया डायमेंशन देता है माइंड को, जिससे ये सब सारा कोप अप करने में डेफिनेटली हेल्प मिलती है। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर, प्लीज हैव अ सीट। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग के जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ में तो उस टाइम पे क्या होता है, अंदर एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है, तो एक एनर्जी होती है और एनर्जी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। एनर्जी इन इटसेल्फ इज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो अब अगर उस टाइम पे इस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें, ब्रेकअप मतलब क्या, दिल टूटना मतलब क्या, एक क्राइसिस सिचुएशन, बहुत बड़ी, और जितनी बड़ी क्राइसिस उतनी बड़ी एनर्जी। जैसे अगर डिस्कवरी नेट जो ये देखते हो आप लोग, तो उसमें कभी नोट किया है कि जैसे कहीं आप देख रहे हो एक पोलर बेयर है, उसका कोई बच्चा है, राइट, तो जब तक वो आराम से बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा खतरे में होता है तो क्या होता है उसकी माँ की हालत। जैसे सामने से चार भेड़िए आ रहे हैं, वो चारों को डिफीट करने लायक हालत में होती है उस टाइम पे, अकेली। वैसे देखो तो मजे से चल रहे होते, बैठी है ये। तो दो अलग अलग एनर्जीज हैं अगर हम लाइफ को समझें, दो तरीके से हमको एनर्जी मिलती है। एक मिलती है पैशन से, कि कुछ करना है करना है करना है करना है, वो एनर्जी बड़ी है, नो डाउट। बट उससे भी बड़ी एनर्जी, क्योंकि वो तो सबके अंदर है ही, कोई ना कोई डिजायर्स तो हमारे सबके अंदर है ही ना, लेकिन उसके बाद भी सवाल आता है कि मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ये आ जाता है। क्या कोई ऐसी भी एनर्जी है जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो वन पॉइंटेड है? क्योंकि हम किसी चीज को चाहते हैं तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो लिमिट में रिलीज होती है, वो थोड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। जैसे इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ लव, तो एनर्जी वहां पर भी होती है, बट बड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। एक माँ बच्चे को कभी साथ में बैठे हुए देखो, वो प्यार की एनर्जी है, वहां पर क्या है, एक ठंडक है, एक रिलैक्सेशन है, एक दूसरे को हग किया हुआ आराम से बैठे हुए हैं, मतलब एक पैसिव एनर्जी है। इन लव देयर इज पैसिव एनर्जी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लव। अगर प्यार एक्चुअल में गहरा है तो ऊपर ऊपर का है तो बात अलग है, बट इफ यू इंटेंसली, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जिन्होंने किसी इंसान को या किसी भी काम से बहुत ज्यादा डीपली प्यार किया है, किया होगा तो वो मेरी बातों से कनेक्ट कर जाएंगे, किया ही नहीं होगा तो थ्योरेटिकली ये सब क्या है, तो ठीक है उनको नहीं समझ आने वाली। बट इंटेंसली इफ यू आर डीपली इन लव विद अ पर्सन, तो उस टाइम पे जो अंदर से एनर्जी होती है वहां पर कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस बैठे रहो उसकी आंखों में आंखें डाल करके और देखते रहो,
ये नहीं आई बात समझ में ना, बहुतों को नहीं कुछ नहीं समझ आए तो बताना मेरे को, मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि भाई खच्चरों को भी वो बात समझ आए. खच्चर ही है ना वो, जो आया इस दुनिया में उसने प्यार नहीं किया, तो कुछ किया ही नहीं. क्या किया, रोबोट की तरह आए और चले गए. अरे तुमने किया क्या, मैं कहता हूँ प्यार करो तो पूरी तरह से करो, और अलग हो जाओ तो पूरी तरह से हो जाओ, बीच में मत अटको जा करके. दोनों ही तरफ एनर्जी है, अलग अलग तरह की एनर्जीज है. प्यार में अलग तरह की एनर्जी है, और जब प्यार की वजह से दिल टूटता है उसमें एक अलग एनर्जी है, वहां से एक अलग डायमेंशन ओपन होता है, यहां से एक अलग आपका डायमेंशन ओपन होता है. जब हम डीपली किसी के साथ में प्यार में होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज लव. हाँ, उसका हाथ पकड़ रहे हो इसलिए कि हाथ पकड़ के कुछ और चाहते हो, तो वो एक अलग गेम है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हाँ समझ गए, तो वहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, फड़फड़ा रहे हो गए वहां पर तो. समझ गए ना. हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वेन यू आर डीपली इन लव विथ समथिंग और विथ समवन और अ सिचुएशन, उस मोमेंट में एक डीप अबाइडिंग पीस होती है, साइलेंस होता है, एक ठहराव होता है उस मोमेंट में, और कुछ नहीं होता है वहां पर, ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है. आप भी नहीं होते हो, वो भी नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है, सब कुछ जुड़ा पड़ा होता है. ये आप तब मेरी इस बात की डेप्थ को समझ सकते हो जब आपने कभी ठहरे हो, कभी मतलब कभी लाइफ में ठहरे हो, फड़फड़ाए रहे हो तो नहीं समझ आएंगे. तो भागे जा रहे हो, उसको देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहां कोई इमेजिनेशन नहीं होती है, कोई थॉट्स नहीं होते हैं अंदर, कुछ आप बोल नहीं रहे होते हो, समझ गए, नहीं तो अंदर बोल रहे होते हैं अच्छा अब यहां से ना वहां जाएंगे, ये करेंगे, फटी करेंगे. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना 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 ना, ठहराव है. वहां पर क्या होता है, आप पूरी तरह से जुड़े हुए होते हो इस पूरी क्रिएशन के साथ, आप जुड़ एक से रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन आप एक से नहीं जुड़ रहे हो, आप सबसे जुड़ गए हो. इसको प्यार बोलते हैं. जब आप खुद के बारे में ही सोचते रहते हो तब आप दुखी होते हो, सोचते रहो खुद के बारे में, दुखी हो जाओगे. दुखी होने का सबसे आसान रास्ता आप लोगों को बताता हूँ, ये सब सीक्रेट्स हैं अंदर की दुनिया के, ये पता नहीं है दुनिया को, क्योंकि अपने आप को बैठ के कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे. दुखी होने का सबसे सिंपल तरीका बताऊँ, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, मैं ये, मैं वो, मैं गारंटेड दुखी हो गए. सोचना मतलब उलझ जाना, बिना सोचे सिर्फ देखना, होना, सुनना, फील करना, टच करना, मतलब अपने आप को खो देना. कि अगर किसी की आंखों में देख रहे हो तो एक है देख करके कुछ सोच रहे हो, एक है सिर्फ देख रहे हो, दोनों में कुछ फर्क है. व्हेन यू आर इन अ डीप स्टेट ऑफ लव तो देयर इज नो नीड टू एक्ट देयर. एक दूसरी स्टेट होती है जहां पर आपका दिल टूट जाता है, वहां पर आप रिलैक्स नहीं हो सकते, वहां पर कुछ जुड़ा पड़ा नहीं है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो गई है यहां पर. कभी फील किया है जब दिल टूटता है तो कहां आती है एनर्जी, यहां आती है, यहां आती है. जैसे होता है ना कि किसी पोएट की बातें सुनते हैं तो दिल में कुछ होने लग जाता है, और किसी की सुनते हैं तो ठीक है बेकार है ना, कुछ देखते हैं कोई पीस ऑफ आर्ट तो कुछ होता है, तो उसकी बात चल रही है. जब दिल टूटता है पूरी तरह से, जब ब्रेकअप होता है और यहाँ पर एनर्जीज होती हैं, तो अब अगर उसको आप ढंग से चैनलाइज करते हो, आपको पता है उस एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो अब आप इतने क्रिएटिव हो सकते हो जिसकी कोई हद ही नहीं है. क्योंकि नॉर्मली हमारी एनर्जी एक जगह पर कभी इकट्ठी होती ही नहीं है. होती तो आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों होता हूँ अपने गोल से, क्योंकि गोल्स यहाँ बने हुए हैं सारे के सारे. जब एनर्जी यहां होती है तो उसको एक्सप्रेस होना ही है, या तो वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से होगी या कंस्ट्रक्टिव तरीके से होगी. और उस समय अंदर से आप अपनी ऐसी ऐसी डायमेंशंस को देख रहे होते हो जो नॉर्मली आप नहीं देख सकते, तब आप जो एक्चुअल में होते हो वो आपके थ्रू होने लग जाता है. दैट इज द हाइएस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन पॉसिबल ऑन दिस अर्थ. जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ आर्टिस्ट, उनको आप सबको देखोगे तो सबके पीछे कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप मिलेगा, सबका दिल टूटा हुआ मिलेगा. बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट देख लो, ताजमहल की बात हो रही थी अभी. कैसे बना, दिल से बनाना, दिमाग से नहीं बनाना. दिमाग से तो पता नहीं कितनी चीजें बनी. दिमाग से जो बनता है उसको दिमाग तोड़ देता है टाइम के साथ में. दिमाग से आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, कोई और दिमाग से कोई बड़ी बिल्डिंग बना देगा, ताजमहल दूसरा कैसे बनेगा.
नहीं बन सकता. दिमाग से जो पेंटिंग बनती है उसकी एक कीमत है, जो दिल से बन गई उसकी कोई कीमत ही नहीं है. दिल से अगर आपने कुछ किया तो दैट इज टाइमलेस. और अब अगर यहां पर आप अपनी ये जो सारी एनर्जी है उसको लगा दो कहीं ऐसा कुछ करने में जहां पर के आप खुद को खो दो, तो वहां से जो क्रिएट होगा वो कुछ कमाल का होगा.